अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पूरे मोहल्ले में मेरी बहू के नाम के चर्चे हो रहे हैं और कल होली में सब कुछ इतना अच्छे से संभाल कर हमारे परिवार की इज्जत और दुगनी कर दी है तुमने। ये चढ़ाओ हार उसी का तोहफा है। आज से ये तुम्हारा हुआ। थैंक यू दादी, खुश रहो। सॉरी सॉरी आंटी, अब ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये तेल सारा फैल गया। दादी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? चिल्ला क्यों रहे थे आप? मलिष्का जी गंजी हैं, लेकिन फिर भी पिंकू कितने प्यार भरी नजरों से देख रहा है उन्हें। आप मुझे किसी तरह से मलिष्का जी के बाल लाने हैं। सॉरी मलिष्का जी, आपको कहीं चोट लगी तो नहीं? नहीं नहीं, आई एम फाइन, आप ठीक? हाँ मैं ठीक। इतने टाइम से मैं घर पर हूँ, लेकिन आज तक पिंकू जी ने मुझे ढंग से देखा तक नहीं, यानी उनके मन में आज भी उनकी पलक ही है। दादी अब ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अब बेटा बस थोड़ा सा दर्द है कमर में, बाकी ठीक हूँ मैं। तू सर से बाम ले आ। गंदी सी स्मेल आ रही है, ये है क्या वैसे? बाम 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 ले आना। आता हूँ मैं। मेरा फोन बज रहा है, मैं आती हूँ। रूही बेटा, तुमने कंपटीशन और होली की इतनी अच्छे से तैयारी की, इतनी मेहनत की, इसलिए आज तुम आराम करोगी और खाना मैं और अपनी बना लेंगे। क्या अब? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, मैं सब कर लूंगी। माँ की बात टालोगी, मार खानी है? बहुत दिनों से माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, आखिरकार मुझे वो प्यार वापस मिल गया। थैंक यू खाटू जी। एक कंपटीशन क्या जीत लिया इसने, सब इसके नाम की माला जपने लगे। और दादी ने तो पल भर में टीम बदल ली, इनसे तो मैं अभी बात करती हूँ। जी बताइए। आंटी की सब क्या कर रही हैं आप? अब तो मेरे पीछे ही पड़ गई एकदम तेल लगाने के। मुझे नहीं लगाना है ना तेल। तेल नहीं लगाने आई हूँ, मैं तो बस ये देखने के लिए आई हूँ कि जो तेल आपके सिर पर गिरा था उसका कुछ असर भी हुआ या नहीं। देखो थोड़ा असर तो हुआ है। नहीं नहीं आंटी, ये सब आपका वहम है, मेरे बालों पे कोई असर नहीं हुआ है। आप प्लीज जाइए ना यहाँ से, प्लीज प्लीज आंटी आप जाइए। जा रही मैं लगा दूँ? नहीं प्लीज, थैंक यू। जा रही? ये भगवान अब क्या करूं, तो फोन ही खराब हो गया। धनी वो लवली पार्लर वाली क्या बोल रही थी? दादी
बदतमीजी है ये अग्नि। दादी आई एम रियली सॉरी। आप ये क्या कर रही है दादी? मतलब एक कंपटीशन क्या जीत गई रूही? एक सेकंड में आपकी सारी नफरत प्यार में बदल गई। आप तो पूरी पूरी तरह उसकी तरफ हो गई है। हाँ तो पड़ोसन के सामने उसने मेरी नाक रखी और कंपटीशन में भी अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ नहार के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए वो लड़ी और तुम मुसीबत आने पर भाग खड़ी हुई। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम रूही से हार गई। अगली गुस्से में इतनी भी अंधी मत बनो कि अपनी सच्चाई ना देख सको। माना मैं रूही को पसंद नहीं करती लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी किया है उसे मैं अनदेखा भी नहीं कर सकती। दादी रूही, 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 रूही। अरे अग्नि तुम अपनी हार का गुस्सा इस बेचारे स्टूल पर क्यों निकाल रही हो? वैसे अग्नि किस बात का बुरा लग रहा है तुम्हें? कंपटीशन में मुझसे हार गई उस बात का या नहार जी ने मेरे साथ होली खेली उस बात का या फिर मेरे गले में ये सुंदर सा हार देखकर तुम्हें जलन हो रही है? वैसे अग्नि मुझे लगता है अब तुम्हें इस हार की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे नसीब में ये हार ही लिखी है। अभी भी 10 दिन बाकी है रूही। ये छोटी मोटी लड़ाइयां जीत गई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी जंग जीत जाओगी। संभल कर रहना अग्नि, कहीं मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में तुम खुद इस घर से ना निकल जाओ। और हाँ अग्नि, जब तुम इस घर से जाओ ना तो अपने साथ अपनी हार की ये निशानी लेकर जाना ताकि तुम इस घर में वापस आने की सोच भी ना सको। ये रूही हर बार मुझसे जीत नहीं सकती है, मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। कल होली की वजह से तो मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। वहां से तो किसी भी तरह बहाना करके मैं भाग गई वरना कल तो मेरी पोल ही खुल जाती। पर आज तो पार्लर भी बंद है, मेरे तो सर का मेकअप भी खराब हो गया, मेकअप ही नहीं है सर पे और मलिष्का के कपड़े वो भी तो गंदे हो गए। आज तो पार्लर भी बंद है। हाय भगवान, करो तो करो क्या, चाहूं तो चाहूं कैसे अंदर। एक बार ही देखती हूँ अंदर कोई है तो नहीं। पिंकू, पिंकू बेटा, पिंकू आ गया दादाजी। चल बेटा मार्केट में लेट हो, चल। कुछ और दादाजी तो चले गए, जूही दीदी भी कॉलेज गई है और सिर्फ घर में दादी जी होंगी। एक बार ही झांक कर देखती हूँ, अगर हॉल में कोई नहीं होगा तो झट से अंदर भाग जाऊंगी। यही अच्छे मौका है, हॉल में भी कोई नहीं है
जल्दी से रूम में भाग कर मलिश का गेटअप ले लेती हूँ। ऐसे चोरी चोरी मेरे घर में घुस के क्या कर रही हो तुम? क्यों घुसे तुम? पिंकू से मिलने आई हो ना? नहार जी, ये क्या है? ये मेरी गलती की भरपाई है, नहीं समझी? रुई, याद है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी पेंटिंग लेकर, और मैं गुस्से में उस पेंटिंग को तोड़ दिया था? समझ लो, ये उसी गलती की भरपाई है। रुही, जब से तुम इस घर में आई हो तब से इस घर को संवारने में, कामों में इतनी बिजी रहती हो कि तुम अपने शौक को भूल गए। लेकिन तुम्हें पता है रुहे, जब तक इंसान का शौक जिंदा है, इंसान जिंदा है। तो इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारा शौक लौटा रहा हूं। वही याद है जिस दिन मैं तुम्हारे घर गया था, उस दिन मैं अपनी पेंटिंग देखकर दंग रह गया था। वही, तुम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। थैंक यू नाहर जी। यू आर वेलकम। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, तुम सबसे पहली पेंटिंग किस चीज की बनाओगे? बताओ बताओ, आई एम वेरी एक्साइटेड, बताओ। नाहर जी, मैं जो भी बनाऊंगी उसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा। साथ मिलकर बनाएंगे? मतलब पेंटिंग? नहीं नहीं रूही, इट्स अ बैड आइडिया। पेंटिंग से मेरा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। लास्ट टाइम आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड, हाँ सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने वो पेंटिंग बनाते ना पहाड़ों के बीच सूरज, बस इससे ज्यादा नहीं। पर नहार जी, एक बार ट्राई तो कीजिए। रूही, बट मेरे साथ ट्राई कीजिए प्लीज। नहार जी, एक बार ट्राई करते हैं। करीब आ जाएंगे और मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। नहार के करीब आने के लिए मुझे रूही को दूर करना ही होगा। ऐसे चोरी चोरी मेरे घर में घुस के क्या कर रही हो तुम? क्यों घुसे तुम? पिंकू से मिलने आई हो ना?
दादी जी। हाँ हाँ मैं पिंकू जी से मिलाई थी। प्लीज प्लीज मुझे पिंकू जी से मिलने दीजिए ना। प्लीज दादी जी प्लीज मुझे पिंकू जी से मिलने दीजिए। प्लीज दादी जी प्लीज मुझे पिंकू जी से मिलने दीजिए। ऐसे नहीं मानेगी ना तू? अभी बताती हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। देख तू, देख, देख तू। पलक, ए पलक। गए। झाड़ू देखते ही भाग गए। मुझे पता था भाग जाएगी। अब ये किसी आवाजें लगा रही थी? मलिष्का जी आप हाँ? घर में हैं? हाँ। मुझे तो लगा कि आप बाहर हैं। नहीं नहीं मैं तो बाथरूम में ही थी। मैं तो आपकी आवाज सुन के बाहर आई। और आपके झाड़ू लेके अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? मैं ये कह रही थी, मैं ये इतने जाले हो गए हैं घर में, बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है। और इस घर में कोई काम भी तो नहीं करता ना मेरे सिवा। ये जाले साफ करने होंगे मुझे, करूंगी। घर तो नहीं गंदा रख सकती ना। यही बोल रही थी अपने आप से मैं। मलिष्का जी ठीक है, आप ना मेरे रूम की भी सफाई कर देना। वहाँ भी बहुत जाले हो गए। कर दिया। थैंक गॉड मैंने मौका देखते कपड़े बदल लिए। मुझे विग लेने जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो कंजी अपने का नाटक कर लिया है। अब इतनी जल्दी इतने सारे बाल आने का क्या जवाब दूंगी मैं? रूही 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 इसके तो मैं। ये लड़की तो मेरे गले की फांसी का फंदा बन गया है। मैं जितना कोशिश करती हूँ नार के करीब आने की, ये उतनी बार मेरी मेहनत पानी में फेर देती है। और हर बार ये मुझसे जीत जाती है। मैंने गुस्से में अपने और नार की सबसे प्यारी फोटो तोड़ दी। नार, मैंने गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया। सब कुछ गलत हो रहे हैं। मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ। गुस्से में क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ? अंगी गुस्से में इतनी भी अंधी मत बनो कि अपनी सच्चाई ना देख सको। मिल गया तरीका। अब मैं नहीं, रूही खुद अपने आप को इस घर से बाहर करेगी। जी तेरा नार बेटा। कितने दिन का काम है नार? बस पापा 3-4 दिन में आ जाऊंगा। नार बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है और तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इसे अच्छे से पूरा करके आना। मैं खाटू जी से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जी पापा, इसी उम्मीद से जा रहा हूँ, लेकिन इस डील के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अब फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद ही डील फाइनल होगी। अपना हाथ आगे कीजिए। हाथ कीजिए ना। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।